कल तो गाड़ी पीछे, ये क्या है बाबा यार, ऐसे बाद में आप बाद में देखा, ये वही हमने ली भी नहीं है, तूने बच गई है बाबा। रे तय कुछ नहीं होता इसको, घुस गई है वो। मैं मेरे को इसने उतारा स्पेशल के पीछे, देख ये इन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि रुक जाए गाड़ी। हां मैं इसको क्या पी रहा हूँ, कहता जाने दे जाने दे जाने दे और पीछे जाने दे। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें अगर तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा है तो भाई बंदा परेशान तो होगा ही। मजा आ गया यार यहाँ पे रुक के। भाई सब कुछ कर लेना अपने हरामी दोस्तों के साथ ना, बर्फ वाली साइड मत जाना। इधर मारा है मेरे को इसने गोला, अगर मेरे को अब किसी ने मारी ना मैं असली का पत्थर मारूंगा। अजाज भाई गाड़ी खोलो प्लीज। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, होप किया तुम सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया होने चाहिए, तुम्हारे भाई की दुआएं तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेरे साथ होनी चाहिए। सो फिलहाल आज की मॉर्निंग हमारी होती है साज वैली से। पूरे रूम का टूर दूंगा, उसके बाद पूरे होटल का टूर दूंगा, उसके बाद बताते हैं कि क्या सीन रहने वाला है आज का। सो तुम्हारा भाई यहाँ पे सोया था अकेला, क्यों ये मत सोचना कि इतना सा रूम है, रूम बहुत ज्यादा प्यारा है भाई। यहाँ पे चेक करो, और सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के क्या देखता हूँ, हमारे होटल के रूम के पीछे ना पहाड़ जैसा कुछ गिरा हुआ, क्या है काम लगा हुआ। मैं डर गया इसको देखे, यहाँ वॉशरूम है अभी बिजी है। सो ये था हमारा कुछ ऐसा रूम, सारे भाई उठ चुके हैं, प्यारा सा रूम है भाई, इतना मजा आया यहाँ पे, पूरी रात चिल किया है यहाँ पे। चलते हैं बाहर का, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या माहौल है। वाह ठंड हो रखी है यहाँ पे खतरनाक वाली। 5 बजे सोया वीडियो वगैरह एडिट करके ना, मन ही नहीं कर रहा था उठने का। तुम प्यारा सा व्यू चेक करो, प्यारा सा होटल है। हमें बोनफायर के लिए भी वो बोल रहे थे कि अगर बोनफायर तुम चाहते हो लगवानी है तो आप बोनफायर कर सकते हो वहाँ पे, पर हमने नहीं लगवाई, थक चुके थे, ठंड वगैरह लग रही थी, उस वजह से हमने ना बोनफायर वगैरह कुछ भी नहीं करवाया। सो फाइनली गाइस करते हैं रूम को बाय बाय। बहुत ही प्यारा रूम था, मज़ा आ गया काफ़ी ज़्यादा। भाई अपने हेल्प कर रहे हैं हमारे लगेज को कैरी करने के लिए, नीचे तक पहुँचाने के लिए। निकलते हैं बाहर। जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठा ना, उस टाइम ना धूप थी, अब ना बारिश वाला मौसम हो रखा है। होटल का स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी भी चीज़ के ना कोई भी मैं ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा कि अच्छी नहीं थी। क्या डॉक्टर साहब ठीक हो? ठीक अच्छे से। स्टिंग है यार, है यार स्टिंग। मज़ा आ गया यार यहाँ पे रुक के। इसका दिखाओ क्या बात है। रात को भी आपको रुक रहे थे, फिर रात को आप निकले नहीं। रात को निकला नहीं, मैं थका हुआ लग रहा हूं। हां ये मेरे साथ है यार। अपने साथ एक और गाड़ी आज ऐड हो चुकी है, स्कॉर्पियो S11। काफी मजा आने वाला, सारी गाड़ियां बाइक्स वगैरह निकालेंगे। क्या हुआ जी? एक बात बता। हम कल तुमको गाड़ी पार करा रहा था। ओके जब मैं तुझे कह रहा था कि पीछे यार, मैंने देखा उस टाइम नहीं लगी थी। जब मैं तुझे कह रहा था पीछे पीछे पीछे, ये क्या है बाबा यार, ऐसे थोड़ी बाद में आप बाद में देखा है, ये वही हमने ली भी नहीं है, तूने बच गई है बाबा। रेट है कुछ नहीं होता इसको, घुस गई है वो। मैं मेरे को इसने उतारा स्पेशल के पीछे, देख ये इन्होंने ऐसे रखा हुआ है कि रुक जाए गाड़ी। हां मैं इसको क्या पी रहा हूं, कहता जाने दे जाने दे जाने दे और पीछे जाने दे। मैंने पूछा, मैंने दोस्त पे भरोसा किया, मैंने कहा सच बताएगा, कवर में घुसा दिया। पर एक बात है, यहां पे ना लगने की आवाज भी नहीं आई होगी। नहीं आई, वही बात होगी ना, आजा आजा जब ठुकेगी पता चल जाएगा। इनका भी एक चैनल था एक टाइम पे, 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे उसमें। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है दोबारा से मोटो व्लॉग सेटअप पे। रील्स वगैरह शूट करनी थी सबने, उस चक्कर में ना मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो आगे ट्रैफिक वाले ना हो, बाकी कोई सीन्स नहीं है। भदरवाह का मौसम इस टाइम हो चुका है इतना प्यारा, मॉर्निंग में थी धूप, हल्की हल्की चाय वगैरह पी सामने बैठ के बाहर, क्या मजा आया। और यहाँ से तुम चेक करो पूरा भदरवाह दिखता है। एक उस साइड पहाड़ है ना, जाई वाली साइड जाते टाइम ना एक व्यू पॉइंट आता है, वहां से पूरा भदरवाह का ना व्यू देखने को मिलता है। आज कंफर्म नहीं है कि आज हम भदरवाह में स्टे करेंगे या नहीं करेंगे, अभी हम जा रहे हैं गोलडंडा वाली साइड। उससे पहले ना सभी गाड़ियों में और बाइक में ना पेट्रोल फिल करवाना है, क्योंकि ना पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, हमें ध्यान नहीं रहा, ऊपर कोई पेट्रोल पंप है नहीं। होटल से वापस जा रहे हैं नीचे मार्केट में पेट्रोल वगैरह फिल करके, और उसके बाद जाएंगे हम उस वाली पहाड़ पे। सो ऑलराइट गाइस, फाइनली पेट्रोल पंप से भी फ्री हो चुके हैं। भदरवाह में ना एक ही पेट्रोल पंप है, इसके कारण ना हमें इतनी दूर से वापस आना पड़ा, बट कोई नहीं, अपना पेट्रोल फिल हो चुका है। ऐसा ही ताबिश तारिक, कैसे सर, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ ऊपर तक जा रहा, आओ चलते हैं, 10 मिनट की बात है। चलो ठीक है,
तो जाके वीडियो को प्यार दिखा देना भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, खास करके जब ट्रिप पे हो, मोटो व्लॉग कर रहे हो और मोटो व्लॉग एडिट कर रहे हैं ना भाई, हाथ खड़े हो जाते हैं, टाइम लगता है, दो दो घंटे ना बैठना पड़ता है। तो फिर भी अगर प्यार रिस्पॉन्स नहीं ना आए भाई, बहुत ज्यादा दुख होता है, फिर इसी वजह से ना बंदा डिमोटिवेट हो के ना अपनी सारी चीजें छोड़ देता है। कोई भी आप काम कर रहे हो उसमें अगर तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा है तो भाई बंदा परेशान तो होगा ही। एट द एंड बात यहाँ पे खत्म होती है मेरी कि जाके सब्सक्राइब करो, जल्दी करो जल्दी। आप सोच रहे होंगे कितना पागल बंदा है, क्या क्या बोलता रहता है ना, क्या बात है। मैं ये रोड कर्स एंजॉय कर रहा हूँ, फोटोज रील्स मेरा बनाने का ना मन नहीं कर रहा, मेरा पूरा फोकस है इस टाइम व्लॉग पे कि डेली मेरी वीडियो आए। मैं अगर जम्मू में जाऊँ, घर पर भी रहूँ, कहीं पे भी जाऊँ तो मेरी वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, किसी भी कंडीशन में मेरी वीडियो आनी चाहिए, तो मतलब आनी चाहिए 6:30 पे। बस ये मैंने अपना गोल इस टाइम पे डन किया हुआ है। अगर एक भी बंदा अभी घर जाएगा ना भाई, किसी का मन नहीं करेगा घूमने का। अच्छा, रात को हम सारे यही तो होता भाइयों का प्यार। रात को गाइस सारे 5 बजे सोए सुबह मॉर्निंग में, तो फिर उसके बाद उठे, जल्दी उठ गए थे ब्रेकफास्ट करके, मतलब नींद तो पूरी की नहीं हमने, अच्छे से रेस्ट वगैरह भी नहीं की बिल्कुल भी। कोई नहीं, बाहर आकर अगर टाइम से उठकर घूमा नहीं ना, फिर कोई फायदा नहीं है। प्यारा लग रहा है तू बाइक पे, बड़ा प्यारा लग रहा है। कसम से भाई आया ना साथ, इसलिए मजा नहीं आएगा तो क्या है, वीडियो बन गई है। हाँ थोड़ा सा ध्यान से चलानी पड़ती है यार, गाड़ियां वगैरह लगा दी हैं भाई, एक ग्लेशियर देखने के लिए रुके थे यहाँ पे, बज गई गाड़ी यार। टोटल लॉस क्या किया, पीछे नहीं देख रहा तू यार, पीछे मार दी तूने सीधा भाई। सब कुछ कर लेना अपने हरामी दोस्तों के साथ ना, बर्फ वाली साइड मत जाना। जान भाई गाड़ी खोलो प्लीज यार, लग जाएगी। आओ दोबारा हो। यार घर पहुंचेगा ये टायर आराम से, वो कितना गर्म है ना टायर, उफ अभी नहीं लग रहा है। हां वो बहुत टायर है, कुछ नहीं हुआ टायर, पक्की बात है, कुछ भी नहीं हुआ, टायर की हालत भी खराब हो गई ना, कुछ भी नहीं है, टूरिस्ट है थोड़े बहुत, पर ठीक है, प्यारा सा वेदर है, ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, हेलमेट के बिना आया हूँ, थोड़ा राइड करके 5-6 किलोमीटर हालत खराब होगी। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बाकी का सारा व्लॉग तुम सबके साथ नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूंगा। बाय बाय।